हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चिप्स। और ये आलू की चिप्स जो हैं आप एक बार बना के साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपका जब मन हो आप तब खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने आलू लिए हैं एक टोकरी, ये हमने थोड़े जो है मोटे साइज़ के आलू लिए हैं। ये देखिए, जी देखिए ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो अच्छे बने। जी देखिए आलू, हमने जो है आलू ले लिए हैं। अब इन आलू को जो है हम छील लेंगे। ये हमने आलू को जो है छील के धो लिया है। देखिए, ने आलू को जो है पहले छील लिया है और उसके बाद धो लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू की चिप्स बनाना। ये हमने देखो चिप्स तोड़ने की मशीन ली है हमने, ये जिससे जो है हम चिप्स बनाएंगे। ये देखिए, और ये जो मशीन है इससे जो है डिज़ाइन के और सिंपल दोनों तरह के चिप्स टूट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिप्स बनाना। देखिए चिप्स बनाने हैं, डिज़ाइन वाले चिप्स बनते हैं इससे, सिंपल ही बना सकते हो आप, और डिज़ाइन वाले दोनों चिप्स बना सकते हैं। और लंबे की तरफ से बनाना है ताकि आपके चिप्स जो है बिल्कुल लंबा उतरे। ऐसे स्लाइस निकालने हैं आलू के। देखिए, ऐसे लंबे साइज का आलू लेना है और ऐसे लंबा चिप्स बनाना है आपको। ये देखिए, ऐसे चिप्स बनाते जाना है आलू के लेना है। देखिए ऐसे चिप्स बने हैं हमारे, डिज़ाइनदार चिप्स बने हैं। ये देखिए, जी देखिए, जी देखिए, जी देखिए, बस ऐसे ही चिप्स बनाते जाना है। देखिए हमने जो है सारे डिज़ाइन वाले चिप्स जो है बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इसको जो है हम पानी में डाल देंगे। पानी में चिप्स बना लिया हमने, इसको पानी में डाल देंगे ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो काले ना पड़े। देखिए हम इसको जो है पानी में डाल देंगे चिप्स को, ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो काले ना पड़े। और पानी में डालते जाना है चिप्स को बनाते बनाते। मशीन ले लिया, और मशीन के इस एरिए से जो है हम लोग प्लेन चिप्स बना सकते हैं। देखिए ये प्लेन चिप्स बनते हैं। ये देखिए, इससे जो है मशीन से प्लेन चिप्स बन जाते हैं। जी देखिए,
और इस वाले से डिजाइनर चिप्स बन जाते हैं इससे। अगर हम इससे बनाए तो इससे डिजाइनर बन जाते हैं, कि ये चिप्स जो है डिजाइन वाले बन जाते हैं। ये देखिए इससे बनाओ डिजाइनर बन डिजाइन बन जाते हैं, और इससे बनाओ तो प्लेन बन जाते हैं। अब हम प्लेन चिप्स बनाएंगे, हमने डिजाइन चिप्स बना लिए हैं। देखिए प्लेन चिप्स ऐसे हम सारे जो है प्लेन चिप्स बना लेंगे। ये हमने आधा भगोना पानी ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा नमक। हमें दो डली फिटकरी और दो डली नमक डाला है, और इसे पानी में जो है ना उबाल आने देंगे। ये देखिए हमारा जो पानी है ये जो है ना उबल चुका है। देखिए अब इसमें हम जो है दो झरने आलू डालेंगे, आलू के चिप्स डालेंगे। जी देखिए पानी उबालने के बाद उसमें हमें डालना है। थोड़े आलू के चिप्स और डालेंगे इसमें, और इन्हें करीब 5 मिनट तक पकने देंगे। थोड़े से आलू चिप्स और डाल देंगे, और इसे करीब जो है हम 10 मिनट तक उबलने देंगे आलू को पानी के साथ में, और इसे छलनी से अच्छे से चला देंगे। दस मिनट बाद जो है हमारे जो चिप्स हैं वो अब उबल चुके हैं। देखिए 10 मिनट बाद ये चिप्स उबल चुके हैं, और आप इसे जो है हाथ में लेके भी देख सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ये पक गए हैं। और अब हम जो है इन चिप्स को जो है अलग बर्तन में निकाल लेंगे, जो है हम अलग झंडी में निकाल लेंगे। ऐसे हमने जो है ये परात के अंदर झाड़ने झाड़ी रख लिया है, और ये झंडी में जो हम चिप्स निकाल लेंगे, जो हम चिप्स हमने उबाले हैं। ये चिप्स को जो है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद जो है हम ये चिप्स अब जो है चादर हमने एक बिछा ली है फोल्डिंग के ऊपर। तो अब हम जो है सारे जो चिप्स हैं हमने वो चादर के ऊपर डाल दिए हैं, और अब एक एक चिप्स करके ऐसे सुखाना है, और हम चादर के ऊपर जो सारे चिप्स को एक एक करके सुखा देंगे, ताकि जो हमारे जो चिप्स हैं वो अच्छे से सूख जाएँ और एक दूसरे से चिपके नहीं। नहीं तो अगर चिप्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो बहुत ख़राब लगते हैं, इसलिए एक एक चिप्स को सुखाना है। देखिए ऐसे करके चिप्स को सुखाना है, ताकि जो हमारे चिप्स हैं वो अच्छे से सूख जाएं और आपस में चिपके नहीं। ऐसे करके हम सारे चिप्स को जो है सुखा देंगे। हमने सारे चिप्स जो है सुखा, ये देखिए ऐसे हमने जो है चिप्स को सुखा लिया है। ये देखिए हमने चिप्स को जो है सारे चिप्स को हमने ऐसे सुखा लिया है, और इसे हम जो है धूप में सूखने देंगे, और सूखने के बाद मैं आपको चिप्स दिखाती हूँ। अब हमने जो है चिप्स को पूरा दिन धूप में सुखा लिया है, और सुखाने के बाद जो है हमारे चिप्स देखिए सूखने के बाद कितने
अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल ये जो चिप्स हैं वो सूख के तैयार हो चुके हैं। और हमने ये प्लेन चिप्स बनाए हैं और ये हमने जो है डिज़ाइन वाले चिप्स बनाए हैं। तो हमने दोनों ही तरह की जो चिप्स हैं वो बनाए हैं। और अब हमारे चिप्स जो हैं पूरी तरह धूप में जो सूखे हैं बिल्कुल सूख चुके हैं, आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, अब ये ख़राब नहीं होंगे। और आप चाहें तो बीच में इसे धूप भी दिखा सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। हम इन चिप्स को जो है फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके मैं आपको चिप्स को दिखाती हूँ कि हमारे जो चिप्स हैं वो कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। में जो है डिफाइंड गरम कर लिया है और डिफाइंड गरम करने के बाद जो है इसमें हम जो है जो चिप्स हमने बनाए हैं वो हम फ्राई करके करेंगे। ये देखिए और इसे चला लेंगे ताकि जो हमारे चिप्स हैं वो जले नहीं। तो हमें अलग निकाल लेंगे। ये देखिए हमने जो है अब चिप्स को फ्राई कर लिया है। देखिए हमारे चिप्स जो है फ्राई करने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये देखिए। और ऐसे हम जो है थोड़े सारे चिप्स को जो है फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है आपको चिप्स को फ्राई करना है। हमने जो है चिप्स को फ्राई कर लिया है और फ्राई होने के बाद हमारे चिप्स की अब देखिए कैसे बने हैं, इतने अच्छे बने हैं हमारे चिप्स जो है फ्राई होने के बाद, ये देखिए। और अब इसे घर पे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते हैं और जब आपका मन करे तब आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।